मम्मी जायका में आपका स्वागत है। आज हम कड़ी पत्ते वाले आलू बना रहे हैं, ये बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। इसके लिए मैंने 3 आलू लिए, इनको छील लिया है। अब हम इनको ऐसे काट लेंगे, बीच में से 2 हिस्से करके। अगर आपके पास छोटे आलू हो तो पूरे गोल गोल भी काट सकते हैं। आलू को पानी के अंदर ही काटें, नमक वाले पानी में, ताकि वो काले ना पड़े। ये देखिए आलू हमारे कट चुके हैं। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और कुकर को उस पर रखेंगे। उसमें 3 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून राई डालेंगे। एक चुटकी हींग डालेंगे। और 8 से 10 कड़ी पत्ते डालेंगे। ये कड़ी पत्ते को मैंने धो लिया है। ये देखिए कड़ी पत्ते हमारे हो चुके हैं। अब इसमें हम आलू डालेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 छोटी चमची लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसको बराबर से हिलाएंगे। अब कुकर का ढक्कन ढक के मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी आने तक पकाएंगे। ये देखिए हमारी कुकर की 1 सीटी हुई थी, उसके बाद हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था कुकर को, और फिर खोला है, आलू हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे, 1/2 नींबू का रस डालें। उसको मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारे कड़ी पत्ते वाले आलू तैयार है। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए।